है उस दिन दो साल का बोनस जो हम लोग की 15 साल की सरकार में नहीं दे पाए थे, दो साल के दौरान जितने भी कृषक धान बेचे हैं उनके सबके खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। ये सबसे पहले किया जाएगा और उसके बाद जो भी मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है सबको हम लोग 5 वर्षों में पूरा करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे आप? बड़ी जिम्मेदारी मिली है, शपथ कब लेंगे? शपथ की तारीख अब शपथ अभी हम लोग बैठेंगे, विचार करेंगे हमारे वरिष्ठों से। सर बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? बड़ी जिम्मेदारी मिली है छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे? हाँ बहुत चुनौती है, कहे कि पिछली सरकार ने पूरा सरकारी खजाना को खोखला कर दिया है। अब हम लोगों को बहुत मतलब इसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा और फिर आप लोगों से बार बार मिलते रहेंगे, बात भी होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय ग्लोबल केमिकल एंड मिनरल, आपके घर की जान। ग्लोबल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर टेक्सचर पेंट। विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला, कुनकुरी से विधायक हैं विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर के बाद जश्न का माहौल। विष्णुदेव साय के घर के बाहर समर्थकों ने की आतिशबाजी, डांस कर मनाया जश्न। मध्य प्रदेश में कल खत्म हो सकता है सीएम पर सस्पेंस, कल शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक, रेस में कई नाम। मुख्यमंत्री की रेस के बीच प्रहलाद सिंह पटेल का बड़ा बयान, कहा नई जिम्मेदारी के लिए हूं तैयार। भोपाल के गरुणाधाम मंदिर में सीएम शिवराज शतचंडी महायज्ञ में हुए शामिल, महायज्ञ में दी आहुति। जबलपुर में स्कूल बस में लगी भीषण आग, शीशे तोड़कर बच्चों को निकाला बाहर, पिकनिक मनाने जा रहे थे छात्र। नरसिंहपुर में भी पलटी बस। गुना में डॉगी से क्रूरता का आरोपी गिरफ्तार, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज, सीएम शिवराज ने भी लिया संज्ञान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में सीएम पद को लेकर चल रहा सस्पेंस आखिरकार आज खत्म ही हो गया। बीजेपी ने आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान सौंप दी है। प्रदेश में बीजेपी की जीत के साथ ही सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बना हुआ था जो अब खत्म हो गया है। तो विष्णुदेव साय को कमान सौंपी है यहां पर केंद्रीय नेतृत्व ने। कौन है विष्णुदेव साय, कैसा उनका राजनीतिक करियर रहा है, संगठन में क्या जिम्मेदारियां उनको मिल चुकी हैं, वो आपको बताते हैं। विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ, विष्णुदेव साय राजभवन रवाना हुए, राज्यपाल से मिलकर दावा पेश करेंगे। आज ही तय हो सकती है शपथ ग्रहण की तारीख। आपको बता दें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रस्ताव रखा था साय को सीएम बनाने का, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इसका समर्थन किया प्रस्ताव का। सभी विधायकों ने अपने दल का नेता चुन लिया है विष्णुदेव साय को। तो
आज ही शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान भी हो सकता है। तस्वीर तो साफ हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में चेहरा सामने है विष्णुदेव साय का, अब बस शपथ लेना बाकी है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने साय को सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा था। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने समर्थन किया इस प्रस्ताव का और बीजेपी के सभी विधायकों ने अपना नेता चुन लिया, अपने दल का नेता चुन लिया। तो आखिरकार तस्वीर साफ हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। लगातार सस्पेंस बना हुआ था, कई नाम चल रहे थे रेस में, लेकिन आखिरकार विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लग चुकी है। ये तस्वीरें जब ऐलान हुआ विष्णुदेव साय के नाम का, फूल मालाओं से स्वागत करने के लिए बीजेपी नेताओं का तांता लग गया। विधायक दल की बैठक आज हुई थी और बैठक के बाद फैसला हुआ कि विधायक दल का नेता विष्णुदेव साय को चुना जाना है। शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान भी आज ही हो सकता है, ये भी बात, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। वो माथुर आपको नजर आ रहे होंगे विक्ट्री साइन बताते हुए, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी आपको नजर आ रहे होंगे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी एक ही मंच पर, सभी दिग्गज नेता। सर्वसम्मति से फैसला हुआ है, विष्णुदेव साय को प्रदेश की कमान सौंपी गई है। संगठन के करीबी माने जाते हैं, दो बार के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तस्वीर साफ हो चुकी है, चेहरा आपके सामने है विष्णुदेव साय का। चलिए छत्तीसगढ़ के नए सीएम मतलब विष्णुदेव साय के सियासी सफर के बारे में आपको अब बता देते हैं हम। तो साय सूबे के बड़े आदिवासी नेताओं में शामिल हैं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण विषय ये भी। 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो रहे और इससे पहले भी दो बार छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान वो संभाल चुके हैं। 20 साल तक रायगढ़ से सांसद रहे, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे विष्णुदेव साय। साय ने कुनकुनी विधानसभा में चुनाव जीता है और विष्णुदेव साय संघ के करीबी माने जाते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि विष्णुदेव साय संगठन मतलब संघ के करीबी माने जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के सीएम चुने जाने पर विष्णुदेव साय ने बीजेपी हाईकमान का आभार व्यक्त किया, साथ ही कार्यकर्ताओं और नेताओं को धन्यवाद भी दिया। साथ ही साय ने कहा कि 18 लाख गरीबों को मकान दिए जाएंगे छत्तीसगढ़ में, सुनिए। गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। मोदी की गारंटी, उसमें 18 लाख आवास की स्वीकृति, पहला काम। मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। मोदी की गारंटी, उसमें 18 लाख आवास की स्वीकृति, पहला काम। तो विष्णुदेव साय को बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बधाई दी। ओम माथुर ने कहा कि उनको बहुत अनुभव है और श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के। ओम माथुर ने विष्णुदेव साय को सीएम चुनने पर धन्यवाद दिया। मैं जो कहता हूं वो करता हूं और देखिए इतना श्रेष्ठ कार्यकर्ता जिसको प्रशासनिक अनुभव, जिसको लेजिस्लेटिव अनुभव और जो अटल जी की सरकार में मंत्री रहा हुआ व्यक्ति और वर्षों से पार्टी के बूथ स्तर से लगाकर प्रदेश स्तर तक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य तक का इतने श्रेष्ठ कार्यकर्ता का मेरे सभी विधायकों ने चयन किया। मैं सभी विधायकों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता का चयन किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई, हम सब ने सर्वानुमति से विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है। विष्णुदेव साय जी केंद्र में मंत्री रहे हैं, पार्टी के लगातार अध्यक्ष रहे हैं और इसलिए अनुभव से भरे हैं
और इसलिए निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। आज विष्णुदेव साय जी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। अभी हम राजभवन जाएंगे, राज्यपाल जी से मिलकर सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करेंगे। मैं विष्णुदेव साय जी को बहुत बधाई देता हूँ। केवल आदिवासी नेता नहीं, जिनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है, वर्षों संगठन में और सरकार में काम किए हैं, और उनके अनुभव का लाभ इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को मिलेगा। सर, आप वरिष्ठ नेता एलओपी भी रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन, सर, तो आपको क्या लगता है, आपको डिप्टी सीएम की भी बातें चल रही है? देखिए, डिप्टी सीएम बनेंगे, मंत्री बनेंगे, बाकी सब बनेंगे, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो आदेश पार्टी ने पहले किया है हम करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। सबसे पहला कार्य क्या करेगी कैबिनेट में? कैबिनेट में सबसे पहले जो जनता से किए हुए वादे हैं उन वादों को लेकर के आएंगे और उसके अनुसार से आगे बढ़ते जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई, हम सब ने सर्वानुमति से विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है। विष्णुदेव साय जी केंद्र में मंत्री रहे हैं, पार्टी के लगातार अध्यक्ष रहे हैं और इसलिए अनुभव से भरे हैं और इसलिए निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। आज विष्णुदेव साय जी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। अभी हम राजभवन जाएंगे, राज्यपाल जी से मिलकर सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करेंगे। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने विष्णुदेव साय को सीएम चुने जाने पर बधाई दी है। भूपेश बघेल लिखते हैं, कुनकुरी विधायक, वरिष्ठ बीजेपी नेता विष्णुदेव साय जी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं। नवा छत्तीसगढ़ की न्याय और प्रगति यात्रा को आप मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाएं, ऐसी कामना करता हूं। ये कहा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। बधाई दी है सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए विष्णुदेव साय को। विधायक दल का नेता वो चुने गए हैं बीजेपी की तरफ से। पूर्व सीएम भूपेश बघेल कहते हैं, कुनकुरी विधायक, वरिष्ठ बीजेपी नेता विष्णुदेव साय जी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं। नवा छत्तीसगढ़ की न्याय और प्रगति यात्रा को आप मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाएंगे, ऐसी कामना करता हूं। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, तस्वीर साफ हो चुकी है, बेहद अनुभवी नेता, संगठन संघ के करीबी, दो बार के प्रदेश अध्यक्ष और सबसे बड़ी बात है विवादों और भ्रष्टाचारों से दूर रहने वाले विष्णुदेव साय पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। लगातार जो कयास सीएम को लेकर लगाए जा रहे थे तो विष्णुदेव साय पर आकर खत्म हुआ है। अब बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहला आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिल गया है, उन्हें विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुना गया है। इसके साथ ही राजभवन में आज सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करते हुए मिलेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे। बड़ा लंबा कैरियर उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, पंच से राजनीतिक शुरुआत की थी, उन्हें 2089 से शुरुआत की थी, उसके बाद तीन बार के सांसद रहे, प्रदेश अध्यक्ष तीन बार रहे, विधायक रहे, संगठन के मुख्य पदों पर लगातार बने रहे, इस तरीके से लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। एक तरीके से मोदी सरकार में इस्पात राज्य मंत्री रहे, ऐसे लंबा अनुभव रहा है, तो एक तरीके से आदिवासी चेहरा और साफ चेहरा बीजेपी ने उस पर मुहर लगाया। लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि ओबीसी चेहरा होगा, महिला चेहरा होगा, लेकिन अब विष्णुदेव साय पर मुहर लग गई। इसके साथ ही अब डिप्टी सीएम भी जल्द ही घोषित हो सकता है, मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई है, आज दावा प्रस्तुत करेंगे राजभवन में। इसके बाद कहा जा रहा है संभवतः कि 13 तारीख को ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हम दिखाने के लिए कहेंगे कैमरामैन से कि देख सकते हैं किस तरीके से जो मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा हुई उसके बाद भाजपा कार्यालय में एक उत्सव का माहौल हो गया है, लगातार पटाखे फूट रहे हैं, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मिल रहे हैं,
खुशियों का एक तरीके से ठिकाना नहीं है। जो कार्यकर्ता है यहाँ पर काफी उत्साह मना रहे हैं, पूरा भाजपा मुख्यालय बीजेपी के जयकारे से गूंज उठा है, उत्सव का माहौल है, जगह जगह पटाखे फूट रहे हैं, सड़कों तक के जो है वो कार्यकर्ताओं की एक तरीके से भीड़ है जो बधाई देने का तांता लगा हुआ है। प्रदेश भर से लोग आए हैं, ये तमाम कार्यकर्ता देख रहे हैं, ये सुबह से डटे हुए थे अपने सीएम को पाने के लिए, सीएम का चेहरा कौन होगा, लेकिन शाम होते होते अब साफ हो चुका है कि जो विष्णुदेव साय है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। इसके बाद अब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा शपथ लेते ही। जी बिल्कुल आकाश, कई सारे फैक्टर यहां पर रहे कि विष्णुदेव साय पर भरोसा जताया है आलाकमान ने, बीजेपी ने। उनमें से एक फैक्टर की मैं बात करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिल गया है। उसकी बड़ी वजह यह भी रही कि विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीटों पर बड़ी जीत दिलाई है पार्टी को। एक बड़ा फैक्टर यह भी है आकाश। जी बिल्कुल, देखिए एक तरीके से जो सरगुजा है, बस्तर है, एक तरीके से क्लीन स्वीप जैसा भाजपा को मिला है, और जो सीटों की बढ़त है, यही दो संभागों से सीटों की बढ़त हुई, और छत्तीसगढ़ बनने के बाद लगातार मुख्य आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठ रही थी। जब पहली बार 2003 में बीजेपी की सरकार आई उसके बाद से, लेकिन रमन सिंह को सत्ता सौंपी गई, रमन सिंह तीन बार रहे लगातार मुख्यमंत्री रहे, फिर कांग्रेस 2018 से कांग्रेस सरकार में आई, तब भूपेश बघेल सीएम बने, लेकिन अब 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ, कयासों का दौर खत्म हुआ, भाजपा की सरकार आई, भारी बहुमत से जो 54 सीटों का जो आंकड़ा है, भाजपा ने छत्तीसगढ़ गठन के बाद पहली बार ये आंकड़ा छुआ है, भारी बहुमत था, तो स्वाभाविक था एक नया चेहरा आए, स्वच्छ छवि वाला चेहरा आए। संगठन ने भी ओम माथुर जो यहाँ के प्रभारी थे उन्होंने कहा था कि अप्रत्याशित चेहरा होगा, स्वच्छ छवि वाला चेहरा होगा और चौंकाने वाला चेहरा होगा, तो सचमुच ये चौंकाने वाला चेहरा था। लंबा कैरियर, लंबा राजनीतिक अनुभव, इस बार किसी को जब विधायक दल की बैठक हुई तो सर्वसम्मति से चुना गया, किसी का विरोध नहीं आया। जब सामने आए मीडिया के सामने मुख्यमंत्री घोषणा के बाद पहली बार विष्णुदेव साय, तो साफ कहना था जो विकास के दावे किए हैं वो पूरे होंगे, हर एक व्यक्ति तक विकास पहुंचाया जाएगा, घोषणाएं जो की गई है भ्रष्टाचार मिटाने को लेकर जो वादे किए गए हैं, लोगों को 18 लाख लोगों को घर देने का वादा किया है, किसानों को समर्थन मूल्य बढ़ाकर जो उनको सही मूल्य पर धान खरीदी का जो वादा किया, हर एक वादा पूरा होगा। सरकार बनते ही पहला जो 25 तारीख को उन्होंने कहा है कि किसानों को बोनस दिया जाएगा, जो उनका 2 साल का बोनस है, इसके साथ ही जो है आवास को लेकर फैसले होंगे, तो तमाम बड़े फैसले होंगे, सीधा साफ हो गया है, सरकार बन चुका है, मंत्रिमंडल का गठन भी जल्द होने वाला है। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर, और कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, हम देख रहे हैं आकाश लगातार पटाखे फोड़े जा रहे हैं बीजेपी दफ्तर के सामने, विष्णुदेव साय के समर्थक लगातार उत्साहित हैं और नाच रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। रायगढ़ का रुख कर लेते हैं, सत्यजीत वहां से जुड़े हुए हैं रायगढ़ से। सत्यजीत, क्या कुछ माहौल रायगढ़ में आप देख रहे हैं विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपे जाने के बाद? सत्यजीत चाहूंगा, रायगढ़ में भी जश्न का माहौल है, भाजपा कार्यालय में भी जश्न मनाया जा रहा है, भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फटाखे फोड़े जा रहे हैं, नारेबाजियां की जा रही है, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है। सबसे खास बात यह है सुनील, आपको बताना चाहूंगा, 1999 से 2014 तक यहाँ सांसद रहे हैं विष्णुदेव साय जी, इसलिए रायगढ़ से उनका काफी गहरा रिश्ता है, और रायगढ़ के पास ही है कुनकुरी विधानसभा जहाँ के वो निवासी है, तो निश्चित तौर पर कुल मिलाकर कहा जाए तो रायगढ़ भाजपा काफी उत्साहित है, जश्न मनाया जा रहा है, फटाखे फोड़े जा रहे हैं। जी सुमित बिल्कुल सत्यजीत, रायगढ़ और कुनकुरी विधानसभा के लिए एक बहुत बड़ी बात है ये कि वहां का नेता प्रदेश के सबसे बड़े पद पर आज बैठा हुआ है, काफी खुश होगी वहां की जनता। जी बिल्कुल, जनता भाजपा कार्यकर्ता है भी खुश है, आसपास के जश्न का माहौल है, भाजपा कार्यकर्ता जिला कार्यालय में भी जश्न का माहौल है, फटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक आदिवासी वर्ग के किसान पुत्र को, रायगढ़ के ही एक लाडले पुत्र को मुख्यमंत्री के तौर पर नवाजा गया है, निश्चित तौर पर रायगढ़ वासियों के लिए काफी बड़ी और अहम बात है। जी सुमित
निश्चित तौर पर सत्यजीत और कहीं ना कहीं एक साफ सुथरी छवि वाले नेता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री का पद यहां पर दिया है। ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप उन पर अभी तक लगा है विपक्ष की तरफ से, विरोधियों की तरफ से, ना ही विवादों से उनका नाता रहा है। तो काफ़ी सोच समझकर एक बहुत अच्छी छवि वाले नेता को चुना है यहां पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी आलाकमान ने। सत्यजीत जी, जी बिल्कुल आपका कहना है बिल्कुल जायज है। विष्णुदेव साय जी खास तौर पर एक ऐसे नेता हैं जिनका आज तक किसी प्रकार से कोई विवादों से दूर दूर तक नाता नहीं रहा है। एकदम साफ और स्वच्छ छवि के नेता रहे हैं ये और काफी सौम्य रहे हैं, हमेशा ये सभ्य रहते हैं और अनेकों कार्यकर्ताओं के साथ घिरे रहते हैं। इनका कार्यकर्ताओं में भी काफी अच्छी पकड़ है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा ने सोच समझ कर इन्हें मुख्यमंत्री के नवाजा है। जी बिल्कुल ठीक है, आकाश मैं आपके पास लौट रहा हूँ। निश्चित तौर पर आकाश, बीजेपी सबको चौंकाती है अपने फैसलों से, एक बार फिर से बीजेपी ने सबको चौंका दिया है, लेकिन इसके संकेत कहीं ना कहीं पहले दे दिए थे गृह मंत्री अमित शाह ने। मुझे वो बात याद आती है जब गृह मंत्री अमित शाह चुनावी दौरे पर आए हुए थे और विष्णुदेव साय को लेकर उन्होंने कहा था कि आप इनको विधायक बनाइए, मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा, और मुख्यमंत्री मतलब प्रदेश के सबसे बड़े पद पर आज बैठा दिया है बीजेपी ने विष्णुदेव साय को। आकाश, अमित शाह ने जो कहा था वो तो कर दिखाया, लेकिन इसमें एक जी बिल्कुल अमित शाह ने जो कहा था वो उन्होंने कर दिया है, संगठन ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन इसमें एक बात समझने और देखने वाली है कि बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता जो है वो सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है, वो तमाम संगठन के पदों पर बैठ सकता है। एक पंच से शुरू हुआ जो कार्यकाल है वो आज देखिए सांसद, विधायक और तीन बार के प्रदेश अध्यक्ष, फिर संगठन के कार्यकारिणी में सदस्य, इस तरीके से तमाम बड़े पदों पर लगातार होते हुए वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, सर्वसम्मति से उन्हें सीएम बनाया जाता है। जब नाम सामने आ रहे थे तो सबसे पहला पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम सामने आ रहा था, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का सामने आ रहा था, इसके बाद धीरे धीरे करके नाम सामने आते हैं, लेकिन जिस तरीके से सब नाम में आगे निकलकर विष्णुदेव साय पर चयन हुआ है, विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया है, सीएम घोषित किया गया है, वो सचमुच चौंकाने वाला है। प्रदेश के लिए भी एक गर्व की बात है कि अजीत जोगी जब पहला आदिवासी जो मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी बने, कांग्रेस के थे, उसके बाद बीजेपी में ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो किसी आदिवासी को सीएम बनाया गया है। इसके साथ ही जो लगातार मांग उठती थी कि एक सीएम आदिवासी चेहरा से मुख्यमंत्री आदिवासी हो, तो इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने उस चीज को सुना, समझा, मंथन किया, हर एक उस चेहरे को परखा कौन बेहतर हो सकता है, जातिगत समीकरण साधे गए, विधायक दल की बैठक में विचार विमर्श किया गया, विधायकों से चर्चा की गई, उसके बाद जब नाम सामने आया तो वो विष्णुदेव साय पर मुहर लगी है, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने। अब इसके साथ ही डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री का भी एक चयन होना है जिसकी भी घोषणा जल्द हो सकती है। जिस तरीके से संगठन से जानकारी मिली है कि 13 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है उस समय डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, तो तमाम ये चीजें हैं। लेकिन आज ऐतिहासिक दिन है छत्तीसगढ़ के लिए कि सीएम की घोषणा हुई है और जो विष्णुदेव साय की घोषणा होने के बाद वो सीधे अभी राजभवन में दावा सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन निकल चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आकाश आपने कि बीजेपी में एक आम कार्यकर्ता भी बड़े पद पर जा सकता है, ये बीजेपी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है। जैसा कि आप भी बता रहे थे कि 89 में विष्णुदेव साय ने सरपंच का चुनाव जीता था, वहाँ से आज वो कहाँ तक पहुँचे हुए हैं हम देख सकते हैं, और इसलिए बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी भी कही जाती है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, जैसे मध्य प्रदेश में देख लें, शिवराज सिंह चौहान भी एक आम कार्यकर्ता थे, किसान पुत्र थे, कई बार के सीएम वो रहे, और अब विष्णुदेव साय भी एक और एग्जाम्पल सेट कर दिया है बीजेपी ने विष्णुदेव साय को एक प्रदेश की कमान देते हुए। आकाश जी बिल्कुल, आकाश मैं एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि फैक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो साफ छवि है विष्णुदेव साय की,
विवादों से हमेशा दूर रहे, कोई भ्रष्टाचार का इन पर आरोप नहीं, तो बीजेपी ने काफ़ी सोच समझकर ऐसी छवि वाले नेता को मुख्यमंत्री बनाया है जिस पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा ही नहीं सकता। भी सीएम भूपेश बघेल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बधाई दे चुके हैं। आकाश जी बिल्कुल, देखिए बड़ा फैक्टर होता है कि स्वच्छ छवि वाला हो, बेदाग जी बड़ा फैक्टर होता है स्वच्छ छवि वाला हो, बेदाग हो, ऐसे व्यक्ति को ही बड़े पदों पर बिठाया जाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो बीजेपी जब मुख्यमंत्री का निर्णय कर रही थी, संगठन जब चेहरा तलाश कर रही थी, विधायक दल की बैठक में चर्चा हो रहा था, तो कहीं ना कहीं हर उस एंगल पर चर्चा की गई थी। जितने भी नाम थे उसमें उनका राजनीतिक अनुभव देखा गया था, उनका प्रशासनिक अनुभव देखा गया था, उसमें जो नेतृत्व करने की क्षमता है वो जांचा परखा गया था। इसके बाद ही कहीं चुना गया विष्णुदेव साय जो है हर उस एंगल पे खरे उतरे जिस पर बीजेपी मंथन कर रही थी। लंबा राजनीतिक कैरियर पंच से जो है राजनीतिक आकाश में आपके पास लौटूंगा, आकाश में आपके पास लौटूंगा। बड़ी खबर यहां पर आ रही है, बड़ी खबर यह है, रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है और 13 दिसंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, 13 दिसंबर तारीख निर्धारित की गई है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं, 13 दिसंबर वो तारीख हो सकती है जब शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी आ सकते हैं इस कार्यक्रम में, 13 दिसंबर वो तारीख निकलकर सामने आ रही है कि 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है छत्तीसगढ़ में। तो लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।